like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what. Hello friends, welcome back to my new vlog. Kaise ho aap sab? I hope you are well. देखिए यहाँ का कितने ज़्यादा आम लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं, तो हम लोग तोड़ने वाले हैं। देखते हैं कोई मीठा मिल जाए, नहीं तो चटनी बनाने के लिए तो लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने आम लगे हुए हैं, बहुत आम लगा इस बार ज़्यादा आम लगे ना, बहुत आम लग चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग तोड़ रहे हैं, देखिए सब मिलकर पक्की तोड़ कर खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये तोड़ते हैं एक आम, हम भी अपने हाथों से तोड़ लें। देखिए तो और भी बहुत लगे हुए हैं। कितने तोड़ लिए आप लोगों ने? काफ़ी तोड़ लिए, आम तोड़ लिए इतने सारे हमने, इतने ज़्यादा आम तोड़ लिए हैं। आप एक पॉलीथिन में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स इतने ज़्यादा आम हमने तोड़ लिए हैं। तो पापा के यहाँ आए हैं शाम को, लेकिन यहाँ पर काफ़ी आम लगे हुए होने के कारण मैंने आम काफ़ी ज़्यादा तोड़ लिए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, शाम का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो मेरा गला तो टोटली काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इतने सारे आम इन लोगों ने तोड़ दिए हैं। घर लेकर जाएंगे और देखते हैं नींबू वगैरह लगे कि नहीं। इस बार नींबू कम लग रहे हैं, छोटे हैं अभी, काफ़ी नींबू छोटे हैं अभी, छोटे हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर नींबू भी लेकर जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलो मैं एक बार कह रही थी कि आम लेकर जाएंगे और चटनी वगैरह बनाएंगे, तो पॉलीथीन में डाल कर कार में रख दो। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सब खेतों का व्यू, देख लीजिए। तो ये हमारी कार की बीपिंग उन्होंने ना बिना लॉक के उसके को ओपन कर दी। अभी देखिए फ्रेंड्स शाम का व्यू है और खेत सब खाली हो चुके हैं। देखिए सब खेत दूर दूर तक, देखिए सब खेत खाली है, सब कनक वगैरह सब कट चुकी है। इधर भी देखिए सब खाली हो चुके हैं ना सब। कितना सुंदर मौसम लग रहा है ना इस टाइम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि गर्मी है। तो यहाँ पर देखिए मिलिए रोबन से, इसने आम तोड़ लिए हैं इतने ज़्यादा, तो मैं लेकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सहज कहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर हम लोग बहुत बैठते थे पहले, बहुत बैठते थे ना, ये पहले बेंच उस साइड होता था तो बहुत बैठते थे यहाँ पर, जब लाइट कम आती थी ना। ये वाला जो ट्री है ना इसकी बहुत शान है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शान है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे, हम करने वाले हैं इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोशूट। यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट हो रहे हैं, यहाँ देखिए बहुत अच्छा सा व्यू। यहाँ पर ये लोग फ़ोटोशूट करने वाले हैं, तो मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ का, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए सब कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर व्यू है फ्रेंड्स, मज़ा आ जाता है ना गांव में आकर, बहुत मज़ा आ जाता है। डिफरेंट सिटी में हम लोग हमेशा पोल्यूशन देखते रहते हैं, तो गांव में आकर बहुत ही एक डिफरेंट सा मज़ा आ जाता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब, ये देखिए ऐसे फ़ोटोशूट होता रहता है हमारा यहाँ पर। तो मैं आंटी आए हुए हैं हमारे यहाँ पर, भाभी जो काम करते हैं, मैं उनको खाना बता कर आती हूँ क्या बनाना है। हम लोग डिनर करके चले जाएंगे वापस, क्योंकि सहज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके कारण हमें नहीं रहना है यहाँ पर, बाद में आएंगे हॉलीडे में, अभी हॉलीडे स्टार्ट नहीं हुए ना। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है घर की बिल्कुल भी, तो पेंट होने के बाद घर बिल्कुल नया नया ही लगता है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, भाभी से मिलते हैं क्या बना रहे हैं खाने के लिए। तो खाना बन जाता है फिर खाएंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है, तो आज बनाएंगे नमकीन चावल प्याज का तड़का लगाकर और मैक्रोनी डालकर उसमें, और साथ में बनेगा पनीर भुर्जी और साथ में है चने की सब्ज़ी।
देखिए फ्रेंड्स, मैं चावल को तड़का लगाने लगी हूँ और तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से तो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो भाभी के साथ थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं साथ में वो कटिंग कर दे रहे हैं, प्याज उसने कट कर दिया है और टमाटर मैं उनको भून रही हूँ, आप कट कर दो। और मैं तड़का साथ में यहाँ पर भून लेती हूँ और साथ में यहाँ पर मकरोनी को बॉयल, हाफ बॉयल किया है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना उसको। मैं आपको ना यहाँ पर लिविंग रूम का व्यू दिखाती हूँ। पर देखिए मदर इन लॉ मेरे और जगदीप और सहज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी देखिए मैं किचन में चलती हूँ। पापा ना आटा लेकर आए हैं, तो पापा कह रहे थे इस आटा लेकर जाओ यहाँ से ना, तो उनका घर की कनक होती है तो कहते हैं यहाँ से लेकर जाया करो, तो कभी कभी हम लेकर नहीं जाते तो फिर गुस्सा करते हैं। पेरेंट्स को हमेशा होता है ना, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, जब गाँव में तो इतना कुछ होता है ना, तो कहते घर का ही लेकर जाओ सब कुछ है। तब देखिए हम लोग आटा भी आज लेकर जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा है तो मैंने कहा थोड़ा सा आप निकाल लो इसमें से, वो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर ले जाएंगे। तो देखिए मैं तड़का भून रही, साथ में मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दी है और साथ में मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी जो ना चावल भी गो कर रखे हुए थे, धो लिए अच्छे से, उनको डाल दिया। अच्छे से भून लेती हूँ मैं चावल को, इससे ना चावल में बहुत अच्छा सा ना तड़के का फ्लेवर चला जाता है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको मेजरमेंट कर बना रही हूँ चावल को। देखिए एक गिलास चावल लिया, टू गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी, तो दो गिलास पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें जो मैंने हाफ मकरोनी बॉयल कर रखी हुई ना, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, हाफ मैंने बॉयल की है, इसको ऐड कर दूँगी। तो चावल को बनने के लिए रख देते हैं और साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी का भी तड़का लगाऊंगी, तो भाभी ने उसके लिए भी तड़का कट कर रख दिया है। देखिए मैं उसके लिए ऑयल रख दिया है, सरसों के तेल में ही पापा के यहाँ सारा खाना बनता है, पापा सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है ना सरसों के तेल में का खाना। तो प्याज देखिए सब कुछ कट कर दिया है, अब मैं पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चावल बन चुके हैं मकरोनी वाले, तो साथ में दही भी है और पनीर की सब्जी, पनीर भुर्जी रोटी यहाँ बन रही है, चने की सब्जी हो गई, गरम चने की सब्जी डाल दो आप, मैं लेकर जाती हूँ। देखिए पहले चावल रख रहती हूँ, सब अंदर बैठे हुए हैं एसी रूम में, तो चावल वहाँ पर रख देते हैं, सबको देते हैं खाने के लिए। देखिए मकरोनी चावल और ये लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर खाने के लिए। फ्रेंड्स खाना लग चुका है, यहाँ पर दही और पनीर भुर्जी और ये है ब्लैक चने और साथ में है मकरोनी और जीरे वाले चावल और कोल्ड ड्रिंक और यहाँ पर पापा यहाँ पर सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। टेस्टी टेस्टी खाना, एसी ऑन है, अब सबको खिलाते हैं फिर बाद में मैं खाऊंगी। अभी सब खा रहे हैं, फिर खाना खाकर हमें आज जाना भी है वापस, क्योंकि सहज के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वापस तो जाना ही पड़ेगा हमें। तो रोटियां बता दो आपको कितनी कितनी रोटी खानी है, रोटी खानी तो साथ में, तू तो रोटियां ही खानी होनी ना। मैं चावल भी खाऊंगा। Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए कितना अंधेरा हो चुका है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हमने डिनर कर लिया है तो अब वापस चल पड़े हैं, तो यहाँ पर हमने बाय बाय कर दिया है, गेट बंद हो कर लेंगे पापा, तो हम चल पड़े हैं अब, तो हम लोग जा रहे हैं वापस। बहुत मज़ा आया, इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके टेल देन एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टिल देन एंड बाय बाय।